नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कुछ मित्रों के द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि सर बता दीजिए कि बीएड कर रहा हूँ, क्या साथ में एकल विषय से बीए कर सकता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत से भाई और बहन बीए के दौरान जानकारी के अभाव में अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं और बाद में वह बीएड भी कर लेते हैं और जब फॉर्म भरने जाते हैं तब पता चलता है कि उनके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है और वह टीजीटी के लिए पात्र नहीं है, तो फिर उनको एकल विषय से बीए करना होता है या एकल विषय से बीएससी करना होता है, तब वह जा करके टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। तो बहुत से लोगों को जब पूर्व में जानकारी हो जाती है, अर्थात यदि बीएड कर रहे हैं और 2 वर्ष का बीएड है और उसी बीच यदि वह पत्राचार माध्यम से यदि एकल विषय से साथ में बीए भी कर लें तो यह डिग्री उनकी वैलिड भी रहेगी और उनका समय भी बचेगा। आपको बताना चाहता हूं कि राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बहुत से लोग एकल विषय से बीए या बीएससी कर लेते हैं और उनका समय भी बच जाता है। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप बीएड कर रहे हैं और बीएड आप रेगुलर कर रहे हैं तो साथ ही साथ राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से आप फार्म भर दीजिए। राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की शाखाएं लगभग प्रत्येक ज़िले में है, आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको उसकी शाखा दिख जाएगी और आप किसी ब्रांच से भी जा करके कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए इलाहाबाद जा करके यूनिवर्सिटी से करना आसान नहीं है, तो उसकी बहुत सी शाखाएँ हैं और उन शाखाओं पर जा करके अपना एडमिशन ले लेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि 30% का आपको असाइनमेंट घर से ही लिख करके ले जाना होगा, वहाँ आपको कॉपी अवेलेबल हो जाएगी, पेपर अवेलेबल हो जाएगा, आप घर लाएंगे 30% का असाइनमेंट लिख करके आप जमा कर देंगे, 70% का आपको पेपर देना होगा, तो इसमें पास होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस यही है कि 30% यहाँ से मिल जाने से अच्छा स्कोर भी हो जाता है। तो आप एकल विषय से अगर करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चाहे राजेश टंडन से करें चाहे इग्नू से करें, लेकिन आप पत्राचार मोड से उसको पूरा कर लें। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उनके लिए क्या करना होगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी के साथ स्नातक में संस्कृत होना ज़रूरी है, तभी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बनता है हिंदी से टीजीटी के लिए। यदि ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है तो यदि इंटरमीडिएट में संस्कृत है तब भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान टीजीटी देने के लिए 4 विषय में से 2 विषय होना ज़रूरी है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन 4 में से 2 का होना ज़रूरी है। पेपर आप 4 में से किसी 2 का दे सकते हैं, भले ही वो सब्जेक्ट आपने स्नातक में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए आपको 2 सब्जेक्ट भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन 4 में से 2 का होना ज़रूरी है। साइंस से टीजीटी देने के लिए स्नातक में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होना ज़रूरी है, भले ही 1-2 ही वर्ष हो, 1-3 वर्ष हो, काम चल जाएगा, लेकिन भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान होना ज़रूरी है। वैसे ही बायोलॉजी से टीजीटी देने के लिए जूलॉजी और बॉटनी, ये आपका बीएससी में होना चाहिए, भले ही 1 सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा गया हो, 1-2 ही हो तब भी चल जाएगा, या दोनों 3 साल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बातें हैं, तो यदि नहीं बन रहा है तो बनाना चाहते हैं तो आप पत्राचार मोड से बना लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो में लेकर के आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।